दोस्तों पुलिस की नौकरी में हर पद के पास अपनी ताकत होती है। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आप किस पद को पहचान सकते हैं केवल उनकी यूनिफॉर्म के बेस पे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस पद पे कितनी आपको सैलरी मिलती है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला है पुलिस कांस्टेबल। पुलिस की नौकरी में कांस्टेबल निम्न स्तर का पद होता है। कांस्टेबल की प्लेन पट्टी होती है जिसमें कोई भी स्टार नहीं होता है, परंतु आप अपनी मेहनत से कांस्टेबल से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक का सफर तय कर सकते हैं। कांस्टेबल की एवरेज सैलरी 20,000 से 30,000 तक होती है, जिसमें हर साल डीए और इंक्रीमेंट भी मिलता है। कांस्टेबल के बाद आप प्रमोट होकर सीनियर कांस्टेबल बनते हैं। सीनियर कांस्टेबल की आस्तीन पर दो पोस्ट डाउन शेवरॉन पट्टी होती है। सीनियर कांस्टेबल की सैलरी कांस्टेबल के आसपास ही होती है। इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल की पट्टी पे 3 पॉइंट डाउन शेवरॉन पट्टी होती है। हेड कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी 35,000 से 38,000 के बीच में होती है। हेड कांस्टेबल से ऊपर की रैंक की होती है एएसआई, जिसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं। एएसआई को वन स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। एएसआई यानी सहायक उप निदेशक की यूनिफॉर्म पे वन स्टार की पट्टी होती है, जिसके ठीक नीचे लाल व नीले रंग की धारी होती है। एएसआई एक जांच अधिकारी हो सकता है। एएसआई अक्सर पुलिस चौकी या फेरी और जांच केंद्रों के प्रभारी होते हैं। एएसआई वरिष्ठ अधिकारी के लिए घटनाओं की रिपोर्ट बनाते हैं। एएसआई की इन हैंड सैलरी 40,000 से 45,000 के बीच में होती है। इसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई। एक एसआई पुलिस चौकी का प्रभारी होता है। एसआई सबसे कम रैंक वाले अधिकारी होते हैं, जो भारतीय पुलिस नियमों व विनियमों के तहत अदालत में चार्जशीट दायर करते हैं और आमतौर पर पहले जांच अधिकारी होते हैं। सब इंस्पेक्टर की सैलरी 45,000 से 65,000 के बीच में होती है। इसके बाद आता है पुलिस इंस्पेक्टर पीआई। एसआई से प्रमोट होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं। एक पीआई की पहचान उसके कंधे पर 3 स्टार की पट्टी से होती है। जनरली एक थाने में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हाई रैंक का ऑफिसर होते हैं वो होता है इंस्पेक्टर। लेकिन आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, इसके लिए पहले आपको सब इंस्पेक्टर बनना होता है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट लगभग हर साल वैकेंसियाँ निकालती है, जिसमें ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होता है। पुलिस इंस्पेक्टर को अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। आप इंस्पेक्टर बनके 50,000 से 80,000 तक की इन हैंड सैलरी पा सकते हैं। इसके बाद जो रैंक आती है वो है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम डीएसपी कहते हैं। डीएसपी की यूनिफॉर्म पे 3 स्टार होते हैं। हालांकि ये स्टार देखने में इंस्पेक्टर जैसे ही होते हैं, परंतु डीएसपी के स्टार के नीचे कोई भी नीले व लाल रंग की धारी नहीं होती है। एक डीएसपी जिलों के लगभग 10 पुलिस स्टेशनों के प्रभारी होते हैं, जो डिविजनल पुलिस अधिकारी हैं। एक डीएसपी की सैलरी लगभग 55,000 से 90,000 तक होती है। एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी के कंधे की पट्टी पर हमारा नेशनल एम्बलम होता है, फोर लाइन ऑफ सारनाथ, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें कोई भी स्टार नहीं होता है। सभी आईपीएस अधिकारी एएसपी से ही अपना करियर की शुरुआत करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आप आईपीएस के आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी जो रैंक लगेगी स्टार्टिंग में वो लगेगा एएसपी। इसके बाद आता है आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी, जिला पुलिस अधीक्षक। भारतीय पुलिस सेवा स्तर के पुलिस विभाग में उच्चतम अधिकारी होते हैं। प्रत्येक अधिकारी के ऊपर एक जिले के पुलिस प्रशासन का संपूर्ण भार होता है। जिला तथा प्रदेश पुलिस इनके संरक्षण में कार्य करते हैं। प्रत्येक एसपी के शोल्डर पर एक सितारे के साथ साथ सत्यमेव जयते का सिंबल होता है। एसपी को रहने के लिए घर मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है, नौकर के साथ साथ 60,000 रुपये से 90,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है। इसके बाद आप प्रमोट होकर एसएसपी बन सकते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की यूनिफॉर्म पे 2 स्टार होते हैं और सत्यमेव जयते का सिंबल होता है। इनकी जो सैलरी होती है वो एसपी के आसपास ही होती है। इसके बाद आता है डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की यूनिफॉर्म पर 3 स्टार और सत्यमेव जयते का सिंबल होता है। डीआईजी की इन हैंड सैलरी 65,000 से 95,000 के बीच में होती है। इसके बाद आता है इससे बड़ी रैंक है आईजी की, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी की यूनिफॉर्म पर 1 स्टार के साथ क्रॉस, तलवार व डंडा होता है। इनकी शर्ट की कॉलर पर स्ट्राइप होती है जो गहरे नीले रंग की होती है, जिस जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। आईजी की सैलरी 1,00,000 से 1.5 लाख तक के बीच में होती है। आईजी से ऊपर की रैंक होती है एडीजीपी, जिसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, जो कि भारतीय राज्य और क्षेत्रों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी है। सभी एडीजी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं।
एडीजीपी की यूनिफॉर्म पर राष्ट्रीय प्रतीक के साथ क्रॉस तलवार व डंडा होता है। एडीजीपी की यूनिफॉर्म की कॉलर पर नीले रंग की स्ट्राइप होती है जिस पे पत्तिया बनी होती है। एडीजीपी की सैलरी 1,20,000 से 2,00,000 तक के बीच में होती है। एडीजीपी से ऊपर रैंक के ऑफिसर होते हैं वो होते हैं एसडीजीपी, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एसडीजीपी को डीजीपी के समकक्ष माना जाता है। एक एसडीजीपी की यूनिफॉर्म पर एक क्रॉस तलवार और डंडे के साथ साथ सत्य में जयते का प्रतीक होता है। एसडीजीपी रैंक के अधिकारी अपने कलों पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं। इनके बाद आते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी आमतौर पर हर भारतीय राज्यों में राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है। डीजीपी रैंक वाले अधिकारी अपने कलर पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं। डीजीपी के शोल्डर की पट्टी पर राष्ट्रीय प्रतीक के साथ साथ क्रॉस तलवार व डंडा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको उनकी यूनिफॉर्म की पट्टी पर बताए गए साइन से आप उनको पहचान सकते हैं इस बारे में बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको उनकी हैट के ऊपर बताऊंगा कि किस तरह से आप उनकी हैट जो होती है उसको अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से उनका अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।